सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। अभी तुम्हें छीनना है यूपी बोर्ड से अच्छे नंबर, तो उसके लिए तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम पढ़ रहे थे क्लास 12th फिजिक्स, और हमारे फिजिक्स का जो अगला टॉपिक है वो है गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में चेंज किया जाता है, मतलब गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया जाए। तो टॉपिक दिख रहा होगा आपको, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण। ठीक है, देखिए एमीटर जो होता है ये एक ऐसा यंत्र होता है जो धारा को एम्पियर में मापता है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि बड़ी धाराओं को मापने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं और छोटी धाराओं को मापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर या फिर इसके लिए माइक्रो एमीटर होता है, माइक्रो एमीटर। ठीक है, माइक्रो एमीटर भी हो सकता है और मिली एमीटर भी होता है। ठीक है, मिली एमीटर छोटी धाराओं को नापने के लिए, और गैल्वेनोमीटर तो छोटी धाराओं को मापने का काम करती ही है। इसी के साथ में हमें अगर बड़ी धाराओं को मापना है तो उसके लिए हमें निर्माण करना होगा एमीटर का। तो बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए हमें करना क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, गैल्वेनोमीटर के परिपथ में ही समांतर क्रम में हम एक संट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एक संट। ठीक है, जिसका प्रतिरोध हमने आर एस मान रखा है। संट को नॉर्मली हम एस से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको आर एस, इसके रेजिस्टेंस को लिखा है। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में हमने क्या लगा दिया? एक संट लगा दिया। संट को लगाने से होता क्या है? संट को लगाने से, देखो मैंने इसकी थ्योरी भी लिख दी है कि एमीटर ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को सीधे एम्पियर में मापता है। एमीटर का अपना प्रतिरोध लगभग शून्य होना चाहिए ताकि परिपथ में इसे लगाने पर प्रवाहित धारा का मान ना बदले। धारा मापी को एमीटर बनाने के लिए इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोधक यानी कि संट जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो जो संट जोड़ेंगे उसका जो प्रतिरोध होगा वो काफ़ी कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि ये जो हमने संट जोड़ा है इसका रेजिस्टेंस होना कितना चाहिए। तो लगभग जितना कुंडली का, धारा मापी की कुंडली का जितना रेजिस्टेंस होगा उसका 1/9 होना चाहिए। इनफैक्ट मतलब जैसे कि अगर हम कह दें कि कुंडली का 10 ओम प्रतिरोध है तो ये जो भाई साहब हैं इनका 1 ओम प्रतिरोध होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 ओम प्रतिरोध। संट का प्रतिरोध 1 ओम होना चाहिए अगर कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है। अब बात समझना, कुंडली का प्रतिरोध हमने लगा दिया यहाँ पर कुंडली, और कुंडली का प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है, और संट का प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। अब मान लेते हैं कि इसमें जो है इधर से हमने करंट प्रवाहित करी आई, करंट फ्लो किया आई। अब मेरी बात को ध्यान समझना, ये करंट इधर से जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आने के बाद में ये 2 भागों में बट जाएगा। कितने भागों में बट जाएगा? 2 भागों में बट जाएगा। ठीक है, याद करो किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ। ठीक है, 2 ब्रांचेस हो गई ना, एक नाली में पानी बहाओगे तो वो आगे जा करके अगर 2 नालियाँ बना दो तो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा मेरे प्यारे छात्रों, ध्यान से समझो, यहाँ से ये बैटरी लगा रखी है हमने, और इस बैटरी को जो हम चालू करेंगे यहाँ से जब करंट जाएगी तो दौड़ते दौड़ते यहाँ से जाएगी मस्तानी चाल से, ये चुक चुक ट्रेन चल रही है, एक्सप्रेस ट्रेन। और ये एक्सप्रेस ट्रेन जब यहाँ पर पहुँचेगी तो हो गई 2 पटरियाँ, अब अलग अलग हो जाएगी, भाई ट्रेन तो है नहीं, ये तो करंट है जो पानी की तरह फ्लो होता है। जैसे नदी में पानी फ्लो होता है, नाली में पानी फ्लो होता है, पाइप में पानी फ्लो होता है, वैसे ही तार में करंट फ्लो होता है। अब यहाँ से 2 धाराएँ बन जाएंगी, लेकिन इन दोनों धाराओं का जो योग होगा वो इस मूल धारा के बराबर होगा, बीजगणितीय योग। ठीक, किरचॉफ लॉ। अब यहाँ से देखो क्या होगा कि यहाँ से हम मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो है इस धारा प्रवाहित हो रही है आईजी, और जो संट में धारा प्रवाहित हो रही है वो हम मान लेते हैं आईएस। अब यहाँ से ये आई एस संट में आ गई और यहाँ से आ गई आई जी। अब जरा मेरी बात को समझना कि मैंने कहा कि अगर हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम मान लें और संट का रेजिस्टेंस 1 ओम मान लें, तो यहाँ से
एक चीज समझ लो का समझ में आती है, ये बताओ कि जिधर प्रतिरोध ज्यादा होगा उधर कम धारा जाएगी और जिधर प्रतिरोध कम होगा उधर ज्यादा धारा जाएगी। ठीक है, 10 ओम की जगह मैं इसे 9 ओम कर देता हूं, ठीक, या 10 ही रखते हैं। तो अब मेरी बात को समझो कायदे से कि यहां पर प्रतिरोध ज्यादा है, तो अगर मैंने कहा कि इसमें 10 एम्पियर की धारा मैंने प्रवाहित करी, कितने एम्पियर की, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करी, तो 10 एम्पियर की जो धारा होगी वो यहाँ से इधर प्रतिरोध ज़्यादा है तो इसमें कम धारा जाएगी, यानी 1 एम्पियर की धारा इसमें चली जाएगी और 9 एम्पियर की धारा संट से प्रवाहित होगी। ठीक, अब यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर की सुई का जो डिफ्लेक्शन है, जो विक्षेप है, वो 1 एम्पियर पर दिखाएगा, कितना दिखाएगा, 1 एम्पियर दिखाएगा। इससे क्या होगा कि आपने गैल्वेनोमीटर की जो सुई का विक्षेप था वो एक सीमा से बाहर नहीं रख सकते ना, तो सुई का मान लो 0 से 30 इधर था और 0 से 30 इधर था। अब आपने क्या देखा कि जब यहाँ पर इसमें से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 लिखा हुआ है, तो जो गैल्वेनोमीटर की सुई का विक्षेप है वो 1 की तरफ दिखाएगा, किसकी तरफ दिखाएगा, 1 पर जाएगा गैल्वेनोमीटर का विक्षेप। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 1 पर जाएगा। अब जब वो 1 पर जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि एमीटर में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन क्या 1 एम्पियर की धारा है, उसमें तो 10 एम्पियर की धारा है। तो जो एमीटर को बनाता है वो उसके ऊपर लिख देता है कि इंटू टेन। तो यहाँ पर 1 को मेजरमेंट कर रहे थे ना, 1, तो 1 इंटू 10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमने 10 एम्पियर की करंट भी नाप ली और गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है वो भी ज़्यादा नहीं हुआ। ये है एमीटर का सिद्धांत। सपोज दैट जैसे आपने इसमें प्रवाहित करी 50 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा, 50 एम्पियर की धारा। अब हुआ क्या कि 5 एम्पियर की धारा यहाँ से चली गई, 5 एम्पियर की करंट यहाँ से चली गई और 45 एम्पियर की करंट यहाँ से चली गई। ठीक है, तो अब इसमें 5 एम्पियर की करंट जा रही है, तो ये जो सुई का डिफ्लेक्शन है, गैल्वेनोमीटर की सुई का जो डिफ्लेक्शन है वो सिर्फ 5 एम्पियर तक जाएगा, 5 एम्पियर तक। अब हमें गैल्वेनोमीटर में तो 5 एम्पियर दिखाई देगा लेकिन हम जानते हैं इंटू 10 कराना पड़ेगा, तो हम करेंगे 5 इंटू 10 और 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 50 एम्पियर मतलब 50 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है हम जान लेंगे, जबकि सुई का डिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर पर ही है। समझ में आ रही बात, तो इससे क्या करते हैं, हम चालाकी करते हैं और आराम से पूरी बात हमारी समझ में आ जाती है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा धारा माप सकते हैं। क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर होती है वो 30 से ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, और आप 50 एम्पियर की धारा मापोगे तो अगर डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर जोड़ोगे तो फिर ज़्यादा मात्रा में धारा आप नहीं नाप पाओगे ना, बड़ी धारा को नहीं नाप सकते गैल्वेनोमीटर से। तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है ये। अब इसके बात करें कि जो हमारा संट है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो उसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला यानी कुछ न्यूमेरिकली पोर्शन करना होगा, तो वो न्यूमेरिकली पोर्शन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकली पोर्शन अपना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जो हम लिखे हैं, जो जो इसमें किए हैं वो मानना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना, लिख सकते हो आप ऐसे, देखो ऐसे लिखोगे, माना परिपथ में जो है आई धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है परिपथ में, आई धारा प्रवाहित हो रही है, माना परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है, धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध आरजी, धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध आरजी तथा संट का प्रतिरोध आरएस है, संट का प्रतिरोध क्या मानेंगे, संट का प्रतिरोध आरएस मान लेंगे। ठीक है, और मान लेते हैं कि कुंडली में जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो आईजी है और संट में प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो आईएस है। ठीक है, अब एक बात समझो, दोनों समांतर क्रम में हैं, किस क्रम में है, समांतर क्रम में। मैंने आपको सिखाया है 10th क्लासेस में, आपने पढ़ा भी होगा 10th में जो है कक्षा 10 में, कि जब समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनके बीच जो विभवांतर होता है वो बराबर होता है,
उनके बीच का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो दोनों के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो सब बराबर ही होगा। मैं कह देता हूँ कि इस सिर इसके दोनों जो सिरे के बीच विभवांतर उत्पन्न हो रहा है इसके, तो वो हो रहा है वी जी, और इसके बीच में जो उत्पन्न हो रहा है वी एस, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है सिरों के बीच दोनों के, वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से आ गया वी जी इज इक्वल टू वी एस। अब जानते हो तुम ओम के नियमानुसार V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, आई आर होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो आई जी और आर जी, और यहाँ से निकल कर यह आ जाएगा आई एस और आर एस। अब आप आई जी अपॉन आई एस बराबर आर एस अपॉन आई जी आर जी ऐसे लिख सकते हो, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो पलट करके, ठीक है, आई एस अपॉन गड़बड़ हो गया आई एस आई एस आई जी अपॉन आई एस, ठीक है, आप इसे कर सकते हो आई एस अपॉन आई जी बराबर आर जी अपॉन आर एस इक्वल टू आर जी अपॉन आर एस। आई एस मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसको सिर्फ पलट दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया। अब चलिए हम आगे की बात करते हैं कि यहाँ पर जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, जो करंट फ्लो आई, जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई हो रहा है, और ये दो भागों में बट रहा है आई जी प्लस आई एस। तो भाई यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे अब प्रवाहित कुल धारा या परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आई बराबर किसके होगा, आई जी प्लस आई एस। अब यहाँ से मैं कहूँ कि आई एस की वैल्यू निकालो, तो आई एस की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आई एस बराबर ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा आई माइनस आई जी, ओके, सबको आई जी से डिवाइड कर दो, सबको आई जी से डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ आई जी से आई जी कट गया, यहाँ तो कटने वाला है नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जो बचा वो लिख लेते हैं, यहाँ बचा, इधर लिख लेता हूँ मैं, बचा आई एस अपान आई जी बराबर आई, यहाँ पर वन बचेगा माइनस वन, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हल करेंगे हम लोग, थोड़ा सा और हल कर देते हैं, आगे इसी की कड़ी में हल कर देते हैं, थोड़ा सा समझते रहना, इसके बाद ये है, ठीक है, ये है फिर ये है, अलग अलग स्टेप हैं, लाइन खींचे दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आ जाएगा आई एस अपॉन आई जी बराबर एलसीएम ले लेंगे आई जी, तो आई जी का वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा आई माइनस आई जी हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कि हमारे पास कुछ आया था आई जी का, ये आया था आई एस अपॉन आई, उल्टा कर लेते तुम, एक ही जैसा लिख दिया ना, उल्टा किए हैं तो आई एस ऊपर जाएगा आई जी नीचे आएगा, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई एस अपॉन आई जी बराबर आर जी अपॉन आर एस, तो इसकी जगह पे हम यही लिख देंगे, ठीक है, इसकी जगह पे हम यही लिखने वाले हैं, इसको मिटा देते हैं, तो ये हो जाएगा इसकी जगह पे आर एस अपॉन आर जी इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दिया हमने इसकी जगह पर, ठीक है, क्योंकि आई जी अपॉन आई एस अपॉन आई जी के बराबर आर जी अपॉन आर एस है, तो आई एस अपॉन आई जी की जगह पे आर जी अपॉन आर एस लिख सकते हैं ना, आर जी अपॉन आर एस, ठीक है, आर जी अपॉन आर एस बराबर आर जी अपॉन आर एस बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी अपॉन में आई जी, ठीक है। यहाँ से आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए, क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इसको रफ करते चलते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, देखो आर जी इंटू आई जी इज इक्वल टू आर एस ब्रैकेट में आई माइनस आई जी। यहाँ से हमें आर एस का वैल्यू चाहिए ना, संट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो संट का प्रतिरोध आर एस है, तो हो जाएगा आर एस बराबर आई जी बटे में ये सब आ जाएगा, और ये भाई साहब हो गए ब्रैकेट में, ये आर जी भाई साहब को बाहर कर दो, ठीक है, आर जी की वैल्यू में पता होनी चाहिए, तो हम आराम से ज्ञात
कर सकते हैं संट का प्रतिरोध। ठीक है, मोस्टली संट का प्रतिरोध 1/9 के बराबर होना चाहिए कुंडली के प्रतिरोध के। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये क्लियर हुआ। तो आज के टॉपिक में हमने सीखा कि हम किस तरीके से गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना सकते हैं। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए एकदम सिंपल सा है कि एमीटर गैल्वेनोमीटर जिस परिपथ में जुड़ा हो, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के परिपथ में ही समांतर क्रम में एक संट जोड़ देते हैं और संट का जो प्रतिरोध है वो कुंडली के प्रतिरोध का 1/9 भाग होना चाहिए, 1/9 भाग, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम, हाँ उससे बहुत ही कम। अगर कुंडली का प्रतिरोध है 10 एम्पियर तो संट का प्रतिरोध होना चाहिए 1 एम्पियर। आई बात समझ में, इतना ज़्यादा कम होना चाहिए। चलो ठीक है, और संट को जब जोड़ देते हैं तो सारा काम बन जाता है, आपने पूरा समझ ही लिया कैसे हो जाता है। ठीक, समझ में आया। आपसे कोई पूछे कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, संट जोड़ देते हैं। ठीक है, धारामापी की कुंडली, धारामापी के समांतर क्रम में क्या जोड़ देते हैं, संट जोड़ देते हैं। ठीक, समझ में आया। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और पूरी चीज़ें समझ में आई हो तो फिर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, और वो भी चेंज इनटू द वोल्ट मीटर। ठीक है, कैसे हम वोल्ट मीटर में बदलेंगे वो सीखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है।